जितना बड़ा हमारा देश है, जितनी ज्यादा यहाँ की आबादी है, उतने ही बड़े बड़े मुद्दे यहाँ पर रोज सामने आते हैं। लेकिन बड़े मुद्दे वो नहीं होते जो सिर्फ टीआरपी बिखेरते हैं या बटोरते हैं, बड़े बड़े मुद्दे वो भी होते हैं जो छोटी छोटी जगहों में आम जनता को परेशान करने वाले होते हैं। इसी बात को लेकर हमारा ये विशेष कार्यक्रम बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं कनुप्रिया सत्तर। उज्जैन मध्य प्रदेश की, या यूं कहें हमारे देश की धार्मिक नगरी उज्जैन। उज्जैन में एक ऐसा मामला सामने आया है जो आपका दिल दहला देगा। उज्जैन के थाना नीलगंगा से कई सवालों को खड़ा करता यह मामला सबके सामने उजागर हुआ। ग्राम मुंडला सुलेमान फतेहाबाद में रहने वाला एक युवक गांव के दोस्त के पिता की जमानत कराने पहुंचा नीलगंगा थाने, जहां जमानत के बाद दोस्त का मोबाइल थाने में छूट गया। उसे वापस लाने युवक दोबारा लॉकअप पहुंचा, जहां लॉकअप में बंद किसी व्यक्ति को पानी की बोतल उठाकर उसने उसके हाथों में दे दी। बस यही था उसका जुर्म। जिस थाने में सिविल ड्रेस में मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे देखा तो युवक को जमकर पीट दिया। सवाल तो कई हैं, क्या एक बोतल पानी देना इतना बड़ा अपराध है? लेकिन मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि उसके बाद क्या हुआ अब हम आपको बताने जा रहे हैं। उसके बाद पुलिस ने उसे थाने में ही बैठा लिया। कुछ देर बाद युवक के अंकल पुलिसकर्मियों से बात कर उसे छुड़ा ले गए, लेकिन घर लौटते समय युवक की तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने पुलिसकर्मियों की पिटाई से युवक की मौत का आरोप लगाया। नीलगंगा थाने के पुलिसकर्मियों पर कार्यवाही की मांग की है। अभी कुछ दिनों पहले ही हमने पुलिस की कामयाबी का एक किस्सा आपको सुनाया था, उज्जैन पुलिस की सतर्कता का एक किस्सा हमने आपको सुनाया था। लेकिन उज्जैन पुलिस की इतनी सतर्कता कि एक व्यक्ति को भारी पड़ गया, इतनी सतर्क पुलिस कि किसी की जान ही चली गई। एक पानी की बोतल उठाकर देने पर इस पुलिस ने क्या बवाल किया है, क्या ये सच है या कहानी कुछ और है? इन सारे सवालों के जवाब देगी हमारी ये बड़ी खबर। पुलिस का कहना है थाने में किसी के साथ मारपीट नहीं की गई। गौरतलब है कि राहुल की मौत के बाद अस्पताल पहुंचे परिजनों ने सुभाष और गोविंद की कहानी सुनी, शव देखा और राहुल को पीटने वाले नीलगंगा थाने के पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग भी कर डाली। चिंतामन पुलिस ने तुरंत फोरेंसिक अधिकारियों को बुलवाया, शव का परीक्षण करवाया, साथ ही घटना स्थल पर भी पहुंचे जहां शराब की बोतल पाई गई, लेकिन मारपीट के प्रमाण अब तक सामने नहीं आए हैं। सुबह शव का पोस्टमार्टम होना था। राहुल के परिजनों ने डॉक्टरों की पैनल से पोस्टमार्टम करते वक्त वीडियोग्राफी कराने की मांग की। सीएसपी डॉक्टर रजनीश कश्यप ने उक्त मांगों को मानते हुए पोस्टमार्टम कराया, साथ ही नीलगंगा थाने के पुलिसकर्मियों पर कार्यवाही की मांग भी की, लिखित में शिकायत करने को कहा, लेकिन परिजनों ने थाने में अब तक कोई लिखित शिकायत नहीं की। दूसरी ओर आपको बता दें कि एसपी के निर्देश पर थाना प्रभारियों को सूचना प्रसारित की गई कि रात में किसी भी संदिग्ध आरोपी को थाने के लॉकअप में बंद ना किया जाए। जिन आरोपियों की दिन में गिरफ्तारी होती है उन्हें उसी समय कोर्ट में पेश किया जाए। इस मामले पर नीलगंगा थाना प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा, थाने में किसी भी आरोपी के साथ मारपीट नहीं होती है। राहुल ने लॉकअप में बंद किसी व्यक्ति को पानी की बोतल अथवा बीड़ी का बंडल दिया था, उसे यहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने समझाइश दी थी, लेकिन मारपीट नहीं की। इस पूरे मामले में परिजनों का आरोप है उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो इस पूरे मामले की हकीकत क्या है, हमने आपको मामला बताया है, दोनों पक्षों के तथ्य सामने रखे हैं। लेकिन हमारे संवाददाता उज्जैन में मौजूद हैं, विशेष संवाददाता मयंक गुर्जर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उन्हीं से जानेंगे इस पूरे मामले की हकीकत क्या है। मयंक जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ इस पूरे मामले का सच क्या है। ये पूरा मामला नीलगंगा थाना क्षेत्र थाना का है। मुंडला सुलेमान का किसी एक वारंटी को पुलिस थाने पर पकड़ कर लाई थी, जिसे कोर्ट में पेश करना था। कोर्ट करने का किसी कारणवश दिन कोर्ट में पेश नहीं कर पाई थी। कोर्ट में पेश करने के लिए उसे अगले दिन ले जाया गया था, जिसके कारण उसकी जमानत के लिए उसके जो युवक वहां पर लॉकअप में बंद थे, उसके पिता और एक गांव का अन्य युवक जो राहुल है, ये दोनों आए थे। इसी दौरान
वो अगले दिन वापस युवक को कोर्ट में पेश करने के बाद वापस वहां आए थे। कोर्ट में पेश करने के बाद उसे जब उसका मोबाइल थाने पर छूट गया था तो थाने पर मोबाइल लेने वापस गए थे। इसी दौरान जो आरोपी था सुभाष, उसके सिग्नेचर लिए जा रहे थे। इसी दौरान रात में जो सुभाष के साथ में आरोपी बंद था, उसने किसी राहुल से, राहुल वहां पर लॉकअप के पास में खड़ा था, उससे पानी की बोतल मांगी थी। पानी की बोतल देने पर जो कि एक जो गलत है, जो आरोपी को पानी की बोतल बाहर, क्योंकि पानी की बोतल के साथ में कुछ अन्य चीज भी दी जा सकती है, इसी को पुलिस ने रोका और राहुल को डांटा कि आप ऐसा नहीं कर सकते और पानी की बोतल नहीं दे सकते हो, क्योंकि उन्हें फिर भी उसने बोतल दे दी थी। मना करने के बाद भी पुलिस ने जो लॉकअप में बंद था आरोपी, उसको निकाला और उनकी पूरी तलाशी ली गई। राहुल को भी फटकार लगाई कि आप ये गलत कर रहे हो, क्योंकि इस पानी की बोतल कारण कोई बड़ी घटना भी हो सकती थी, क्योंकि उसी के साथ कुछ दे भी सकता है जिससे बड़ी घटना भी घट सकती थी। इसी दौरान पहले भी ऐसी कई घटना घट चुकी, जो आरोपी ने अंदर भी जो बड़े कदम उठा ले। मयंक जी, जैसे कि आपने कहा कि राहुल ने पानी की बोतल दी थी जो देना गलत है, लेकिन उसके बाद जो पिटाई की बात परिजन कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? क्या वाकई उसकी पिटाई की गई और इस तरह पिटाई की गई कि उसने रास्ते में जाते घर जाकर उल्टी की और फिर उसकी मृत्यु हो गई, या फिर उसकी मृत्यु के पीछे कोई और वजह निकल कर सामने आई है? अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, सुबह पीएम रिपोर्ट आएगी, उसके बाद भी बात ही स्पष्ट हो सकता है। क्योंकि परिजन जो उसके जो आरोप लगा रहे हैं कि वह कह रहे हैं कि इसके साथ मारपीट भी की गई थी, लेकिन पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। युवक यहाँ से गए थे, उन्होंने रास्तों में शराब खरीदी, शराब उन्होंने शायद युवक नहीं पीता, उसके साथ वालों ने शराब पी। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे परिजनों ने बताया कि युवक बहुत डरा हुआ था, जो उससे मतलब उसकी बॉटल दी थी पुलिस ने, उसे डराया भी हो शायद, इसका कुछ बताया नहीं जा रहा है, तो उसके कारण वह डरा हुआ था, भयभीत था, या उसने ऐसा भी लगता है कि जो उसने पानी पिया वो उसका मतलब घबराहट के कारण उसने ठंडा पानी पिया, उसकी या अटैक आया या ब्लड क्रम के कारण उसका अटैक आया, भी कुछ स्पष्ट नहीं, स्पष्ट होगा उसपे पीएम रिपोर्ट आने के बाद। तो ये हमारे संवाददाता मयंक गुर्जर थे हमारे साथ, जिन्होंने बताया कि सुबह पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि इसमें गलती आखिर किसकी थी, वो कौन शख्स था जिसकी लापरवाही थी, क्या वाकई राहुल की ही गलती थी या पुलिस ने उसके साथ मारपीट की। बहरहाल हम तो सिर्फ इतना ही कहेंगे कि उज्जैन पुलिस की के किससे पिछले कुछ समय से हम बार बार लगातार आपको बता रहे हैं किस मुस्तैदी के साथ उज्जैन पुलिस काम कर रही है, कैसे पुलिस धरपकड़ कर रही है अपराधियों की। लेकिन अगर ऐसे में उज्जैन पुलिस की अधिक सतर्कता के चलते किसी को अपनी जान गंवानी पड़ी है तो उसके लिए यह अधिक सतर्कता खतरनाक साबित हुई है, घातक साबित हुई है। और अगर ऐसा नहीं है और किसी और वजह से उसकी जान गई है तो इसका पूरा सच कल आखिरकार सामने आ ही जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की हमें भी इंतजार है और पूरी जनता जानना चाहती है कि आखिर इस मामले की हकीकत क्या है। बने रहिए खबर 100 के साथ, अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, इसके बाद फिर जुड़ेंगे बड़ी खबर में एक और प्रदेश की बड़ी खबर के साथ।